गुड मॉर्निंग लर्नर्स इन आवर टोडिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्टेंस टाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वीडियस टाइप्स एंड अवर प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटेस्टेंस एंड द यूज ऑफ प्रजेंट परफेक्ट कंटेस्टेंस हमारे अब तक के वीडियो में हम लोगों ने टेंस के बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं और हमारे जो लास्ट दो टॉपिक्स थे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस थे और प्रेजेंट परफेक्ट कंटेस्टेंस ये दोनों थे प्रजेंट परफेक्ट टेंस प्रजेंट परफेक्ट कंटिस्टेंस और इन दोनों का यूज़ इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था अब हम जानते जानने का ट्राई करेंगे हमारे इस वीडियो में कि इन लोगों के बीच का अंतर क्या होता है डिफरेंस क्या होता है तो चलिए शुरू करते हैं तो फर्स्ट हम लोग जानना चाहते हैं स्टेटिव वर्ड्स अब देखिए वर्ब जो है बेसिकली दो तरह का होता है एक होता है स्टेटिव वर्ब दूसरा होता है डायनामिक वर्ब तो स्टेटिव वर्ब के बारे में जानते हैं तो स्टेटिव वर्ब आर द वर्ड्स डैट शो द स्टेट और कंडीशन ऑफ द सब्जेक्ट देर डोंट रिफर टू फिजिकल एक्शन मतलब स्टेटिव वर्व जो है वो किसी तरह का सिचुएशन के बारे में बताता है या फिर कंडीशन के बारे में और इसमें सब्जेक्ट के द्वारा किसी भी तरह का फिजिकल एक्शन नहीं किया जाता है इट डजेंट टॉक अबाउट द एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट मीन्स इसमें क्या है सब्जेक्ट किसी भी तरह का एक्शन परफॉर्म नहीं करता किसी तरह का काम नहीं करता है वो सिंपली एक तरह का स्टेट या कंडीशन होता है अब बात आता है स्टेटिव वर्ब का इस्तेमाल जो है तो दे आर नॉट यूज इन प्रोग्रेसिव टेंस या फिर जिसे हम टेंस भी बोलते हैं स्टेटिव वर्ब का इस्तेमाल प्रोग्रेसिव टेंस या कंटस्टेंस में नहीं इस्तेमाल होता है साथ ही साथ दे आर ऑल्सो नॉट यूज इन प्रजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस और परफेक्ट कंटस्टेंस तो इनका इस्तेमाल जो है वो परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस साथ ही साथ परफेक्ट कंटस्टेंस में भी हम लोग स्टेटिव वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं अब देखो क्या बताया जा रहा है स्टेटिव वर्क ऑफेन रिलेट टू थाट एंड ओपिनियन किसी तरह सोच ठीक है किसी तरह सोच या सलाह ओपिनियन आपके क्या मत है क्या राय है उसके लिए हम लोग स्टेटिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं जैसे एग्री बिलीव डाउट गेस इमेजिन नो मीन रेकग्नाइज रिमेंबर सस्पेक्ट थिंक और अंडरस्टैंड तो ये सब बेसिकली हमारे स्टेटिव वर्ड्स हैं जिसका इस्तेमाल जो है वो हम लोग परफेक्ट मीन्स प्रोग्रेसिव टेंस या परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस या फिर जिसे हम कंटेस्टेंस या परफेक्ट कंटेस्टेंस होता है उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जैसे हमारे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस और कंटेस्टेंस के बारे में जैसे आई एम लाइकिंग चीज़ ये नहीं होगा आई लाइक like चीज़ ये होगा ही बिलीविंग ही इज़ बिलीविंग इन गॉड ये नहीं होगा ही बिलीव्स इन गॉड शी हैज़ बीन नोइंग मी फॉर फाइव ईयर्स शी इज़ नोन मी फॉर फाइव ईयर्स ही इज़ हैविंग थ्री बदर ही हैज़ थ्री ब्रदर्स आई एम अंडरस्टैंडिंग और आई अंडरस्टैंड इन सब में हम लोग क्या दिख रहे हैं कि हमारा स्टेटिव वर्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है जैसा लाइकिंगे किसी तरह एक्शन नहीं है बिलीविंग यह एक्शन नहीं है या ये किसी तरह का स्टेट है या कंडीशन है नोविंग जानना स्टेट है हैविंग ये तरह एक तरह का स्टेट है या कंडीशन है अंडरस्टैंडिंग स्टेट है कंडीशन है किसी तरह का ओपिनियन है सलाह है तो हम लोगों ने क्या जाना है कि स्टेटिव वर्ड आर नॉट यूज इन अस फॉर्म कंट फॉर्म में इस्तेमाल नहीं किया जाता है इसलिए आई एम लाइकिंग चीज़ ही इज बिलीविंग इन गॉड शी हैज़ बीन नोइंगी फॉर फाइव ईयर्स ही इज हैविंग थ्री ब्रदर्स और आई एम अंडरस्टैंडिंग ये सब जो है वो हमारे जनरल सेंस में नहीं लेते हैं जैसे कि हम लोगों ने सिंपल टेंस और प्रजेंट टेंस में पढ़ा था लेकिन इनका जो है वो स्पेसिफिक वे में लिया जाता है जैसे कि हम बोल सकते हैं इन जनरल वे स्टेटिक वर्ब्स आर नॉट यूज इन कंटेस्टेंस बट इन स्पेसिफिक सेंस दे डू हैव मीनिंग उनका कोई मतलब निकलता है एग्जाम्पल समझते हैं कि आई एम हैविंग डिनर अब हैव जो है वो बेसिकली देखा जाए एक तरह का स्टेटिव वर्ब है तो ये, लेकिन यहाँ पे हम स्पेसिफिक सेंस में ले रहे हैं तो हैविंग का मतलब क्या होता है एटिंग जो कि मैंने आपको सिंपल प्रजेंटेंस और प्रजेंट कंटेस्टेंस के बीच का जो डिफ्रेंस था उसमें बताया था आप प्ले लिस्ट से वीडियो को देख सकते हो या फिर उस वीडियो का लिंक में जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आप वहाँ से देख सकते हो तो इसी तरह से हो गया स्टेटिव वर्ब के बेस पे वी कांट यूज प्रजेंट परफेक्ट टेंस वेन वी हैव स्टेटिव वर्ब वट वी कैन यूज प्रजेंट परफेक्ट टेंस फॉर स्टेटिव वर्ब तो हम लोगों ने क्या जानता है कि स्टेटिव वर्ब का इस्तेमाल जो है वो वह टेंस में नहीं होता है। तब कंटेस्टेंस बोलिए आप परफेक्ट कंटेस्टेंस बोलिए फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटेस्टेंट इन सब में हम लोग स्टेटिव वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते लेकिन हम लोग स्टेटिव वर्ब का इस्तेमाल जो है वो प्रजेंट परफेक्ट टेंस में कर सकते हैं जैसे आई हैव बिन हीयरिंग सम नॉइस ये नहीं होगा मैं बहुत देर से कुछ आवाज़ सुन रहा हूँ ये नहीं होगा आई हैव हैड सम नोएज मैंने कुछ आवाज़ सुनी है आई हैव बिन अडॉरिंग यू सिंस वी मेट इच जब से हम लोग एक दूसरे से मिले हैं मैं तुम्हें बहुत ही अडोर करता हूँ मैं तुम्हें बहुत ही इज्जत करता हूँ जैसे ये गलत होगा आई हैव अडोर यू सिंस वी मेट हम लोग जब से मिले तब से मैं तुम्हें इज्जत करता हूँ आई हैव इन लाइकिंग दिस दिस प्लेस मुझे यह जगह बहुत पसंद आ रही है ये नहीं होगा आई हैव लाइक दिस प्लेस मुझे यह जगह पसंद आ गई है क्योंकि हम लोग ये सब जान रहे ये सब हमारा स्टेटिव वर्ब है तो स्टेटिव वर्ब में क्या होता है ये एक तरह का सिचुएशन होता है तो किसी भी तरह का सिचुएशन जो है वो कंट्रेंस फॉर्म में तो कभी नहीं रहेगा वो देखिए किसी भी तरह का स्टेटिव वर्ब जो है वो कंट्रेंस फॉर्म में कभी नहीं रहता है जैसे आई एम लाइकिंग दिस प्लेस मुझे यह जगह पसंद आ रहा है तो फिर बाद में नहीं आएगा क्या तो यह है कि हमारा ये जो चीज़ है वो बाद में नहीं है तो स्टेट है किसी खास पार्टिकुलर समय में किसी तरह का चीज़ जो है वो हमें पसंद आ रहा है एक पार्टिकुलर स्टेट के बारे में बात किया जाता है और किसी भी तरह पार्टिकुलर स्टेट के बारे में बात करते हैं तो दे आर नॉट प्लेस इन टेंस उन्हें टेंस के फॉर्म में नहीं रखा जाता है जैसे आई हैव बिन लविंग यू सिंस आवर ग्रेजुएशन टाइम मैं तुम्हें जो है हमारे ग्रेजुएशन टाइम से प्यार कर रहा हूँ सिंपल भाषा में बोला जाता है तो यह एक एक तरह का एक्शन के बारे में बता रहा है कि ग्रेजुएशन टाइम से प्यार करते आ रहा है ठीक है और अभी भी प्यार करते रह रहा है तो तो आप खुद सोचिए मान के चलिए कोई भी पर्सन जो है जैसे मान के चलिए अब आप अपने माता पिता से प्यार करते हो ठीक है तो ये जो प्यार जो है वो एक तरह का स्टेट है तो क्या कॉन्स्टेंट रहेगा एक जैसा रहेगा नहीं ये हमेशा चेंज होता है लव जो है वो हमेशा चेंज होता है वो हमेशा घटता या बढ़ता रहता है तो ये एक तरह का स्टेट है अवस्था है जो इसमें क्या होता है किसी भी तरह का चीज में बदलाव आता है स्टेटिव वर्व क्या होता है स्टेटिव सिंपली किसी तरह का ओपिनियन है इनका इस्तेमाल जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटेंस टेंस में ये फिर कंटेंस टेंस में इसका इस्तेमाल ही नहीं होता ठीक है सिंपल भाषा में तो आई हैव बीन लविंग यू सिंस आवर ग्रेजुएशन टाइम ये गलत है आई हैव लव्ड यू सिंस आवर ग्रेजुएशन टाइम ये सही है आई हैव बीन नोइंग जॉन फॉर टू ईयर्स मैं जॉन को दो सालों से जान रहा हूँ ये भी एक तरह का स्टेटिव वर्ब है ये नहीं होगा आई हैव नोन जॉन फॉर टू ईयर्स मैं जॉन को दो सालों से जानता हूँ ये स्टेटिव वर्ब की कैटेगरी के, के अंदर आ जा रहा है द स्टूडेंट्स हैव नॉट बिन अंडरस्टैंडिंग दिस लेक्चर बच्चों को यह लेक्चर समझ नहीं आ रही तो ये तक एकता तक का स्टेट है हो सकता आगे चल कर समझ में आने लगे तो क्या बोलेंगे द स्टूडेंट्स हैव नॉट अंडरस्टोड दिस लेक्चर बच्चों को यह लेक्चर समझ में नहीं तो अभी तक हम लोगों क्या जाना स्टेटिव वर्व में हम लोग कंट्रोल स्टेंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्यों क्योंकि बेसिकली एक तरह का स्टेट बताता है अवस्था बताता है जो चेंज हो सकता है ठीक है सो हे आर लिस्ट ऑफ सम इन इंग्लिश यू कैन टेक स्क्रीन शॉट ऑफ देम यहाँ पे जो है वो स्टेटिव वर्ब के कुछ लिस्ट है आप उसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं जैसे पोसेशन हो गया सेंस हो गया इमोशन हो गया मेंटल स्टेट हो गया या फिर अदर इन सब में हम लोग जो है इन्हें किस में नहीं रखते हैं कंटोन्स टेंस के कैटेगरी के अंदर हम लोग उसे नहीं रखते अब देखिए कुछ कुछ वर्ड्स हैं जैसे स्टडी लिव और वर्क ये सब जो है इन टेंस का अगर इस्तेमाल हम लोग परफेक्ट टेंस में करें या फिर कंटोन्स टेंस में मीन्स परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटोन्स टेंस दोनों का मतलब सेम निकलता है स्टडी लिव और वर्क जैसे आई हैव लिव्ड इन इंग्लैंड फॉर थ्री ईयर्स और आई हैव लिविंग इन इंग्लैंड फॉर थ्री ईयर्स मैं इंग्लैंड में तीन सालों तक रहा हूँ अब मैं इंग्लैंड में तीन सालों से रह रहा हूँ तो मैं इंग्लैंड में तीन सालों से रहा हूँ तो ये एक्शन आगे भी कंटिन्यू हो सकता है साथ ही साथ आई हैव लिविंग इन इंग्लैंड फॉर थ्री ईयर्स मैं इंग्लैंड में तीन सालों से रह रहा हूँ तो ये भी कंटिन्यू होगा। तो किसी तरह कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे स्टडी लिव और वर्क ये सब बहुत टेंस में दोनों टेंस में इनका, इनका इस्तेमाल किया जाता है दे कैन भी यूज इन प्रेजेंट कंट्रेस सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट वही दूसरी ओर है आई हैव स्टडी इंग्लिश सिंस टू थाउजेंड सेवन और आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस टू थाउजेंड सेवन दोनों में एक ऐसे एक्शन के बारे में बताया जा रहा है जो पास्ट में शुरू हुआ है और प्रजेंट में अभी भी चल रहा है और आगे भी चलेगा शी हैज़ वर्कड हेयर फॉर सिक्स मंथ शी हैज़ बीन वर्किंग हेयर फॉर सिक्स मंथ वह छः महीनों से यहाँ काम कर रही है और यहाँ पर भी बात बताया जा रहा है वह यहाँ पर छः महीनों से काम कर रही है तो यहाँ पर क्या होगा तो कुछ कुछ वर्ड्स है जैसे स्टडी लिव और वर्क इन तीनों को हम जो है प्रजेंट परफेक्ट टेंस और प्रजेंट प्रेजेंट पर दोनों के कैटेगरी में हम इन्हें रख सकते हैं नेक्स्ट आता है कि देखिए प्रेजेंट टेंस और प्रजेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करिए तो इट फोकसेस ऑन रिजल्ट ये रिजल्ट पर फोकस करता है जबकि प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में बात की जाए तो इट फोकसेस ऑन प्रोसेस ये प्रोसेस पर डिपेंड करता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टॉक्स अबाउट हाउ मे टाइम्स एन एक्शन इज रिपीटेड मीन्स किसी तरह का एक्शन कितनी बार हुआ है या फिर कितना ज़्यादा हुआ कितनी बार सॉरी हाउ मेनी टाइम्स एन एक्शन इज रिपीटेड या डन किसी तरह का एक्शन कितनी बार हुआ वही दूसरी ओर बोलते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस इज टॉक इज यूज टू टॉक अबाउट हाउ लॉन्ग एन एक्शन इज बींग प्रोसेस्ड मीन्स किसी तरह का एक्शन कितनी देर से हो रहा है यहाँ पे कितनी बार हो चुका है यहाँ पे कितनी देर से होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब ए कम्प्लीट एक्शन जिससे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंट टेंस का इस्तेमाल जो है वो एक कंप्लीट एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए होता है वहीं दूसरी ओर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस इज़ यूज तो टू डिस्क्राइब एन एक्टिविटी विच मे बी कंटिन्यू जो कि प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का इस्तेमाल जो है वो एक ऐसे एक्शन के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो अभी कंटिन्यू हो रही है सो आई थिंक अभी तक आप लोगों डिफरेंस समझ में आ गया होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के में पहले हम लोग क्या जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस या जिसे हम कंटेस्टेंस बोलते हैं उसमें एक चीज़ क्या जानना है हम लोगों ने कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग स्टेटिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं जबकि प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में हम लोग स्टेटिव वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं ठीक है हम लोगों ने यह जाना साथ ही साथ हम लोगों ने जाना कि कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका जो इम्पॉर्टेंस होता है वैल्यू जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रजेंट परफेक्ट टेंस दोनों में सेम होता है जैसे वर्क लिव देखिए प्रजेंट परफेक्ट टेंस वर्सेस प्रजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस फर्स्ट वन फोकसेस ऑन रिजल्ट एंड द सेकेंड वन फोकसेस ऑन प्रोसेस देखिए परफेक्ट टेंस के बारे में हम लोग क्या जाना था किसी तरह का कंप्लीट एक्शन को रिप्रेजेंट करता है तो परफेक्ट टेंस जो है वो रिजल्ट पे फोकस करता है क्योंकि वो कंप्लीट हो चुका है किसी भी तरह का एक्शन जो कंप्लीट हो चुका है जैसे एग्जांपल से मैं बोलता हूँ आई हैव प्रिपेयर्ड द फूड मैंने खाना बना लिया है तो ये एक तरह का एक्शन है जो कि कंप्लीट हो चुका है अब ये रिज़ल्ट पे फोकस करेगा किसी तरह का इम्प्रूवमेंट अब इसमें नहीं हो सकता है वही अगर मैं दूसरी बोल तरफ बोलता हूँ आई हैव बीन प्रिपेयरिंग द फूड मैं खाना बना रहा हूँ यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि रिज़ल्ट अभी तक हुआ नहीं मतलब खाना बनाने का प्रोसेस अभी तक खत्म नहीं हुआ इसमें किसी तरह का इम्प्रूवमेंट किया जाता है और अभी तक ये प्रोसेस में है तो आई हैव प्रिपेयर द फूड और आई हैव बीन प्रिपेयरिंग द फूड दोनों के बीच में अंतर क्या हो गया कि फर्स्ट सेंटेंस हमें बताया कि रिजल्ट पर फोकस कर रहा है जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटेस्टेंस जैसे कि आई हैव बीन प्रिपेयरिंग द फूड ये प्रोसेस पे फोकस कर रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फोकसेस ऑन द रिजल्ट वाइल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटोस्टेंस फोकसेस ऑन द प्रोसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रिजल्ट पर फोकस करता है और प्रजेंट पर कंटेस्टेंस प्रोसेस पर फोकस करता है वी हैव वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट पर काम कर लिया तो ये बताया जा रहा है एक ऐसा तरह का एक्शन जो कि कंप्लीट हो चुका है साथ ही साथ उसका रिजल्ट भी जो है वो हमारा आ चुका है अब मान के चलिए आपको क्लास में किसी तरह प्रोजेक्ट वर्क दिया गया था ठीक है और आपने उस प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट कर दिया तब तो उसका हम लोग क्या अब मेरा जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका तब हम उसका रिज़ल्ट के लिए वेट करेंगे कि उसका रिज़ल्ट क्या आएगा सही आएगा या गलत आएगा तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया जो कि फोकस पर रिज़ल्ट करता है यहाँ पर देखिए आप कैसे पता चला कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो यहाँ पर देखिए वी हमारा सब्जेक्ट है हैव हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है वर्कड हमारा वी है और ऑन द ऑन दिस प्रोजेक्ट ये हमारा अदर वर्स तो जहाँ सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वी थ्री प्लस अदर वर्स होता है वो क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है या सिंपल है उससे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है वहीं दूसरे बोल रहे हैं वी हैविंग वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट हम लोग इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे फोकस किस पे आ रहा है प्रोसेस पे रिजल्ट पे फोकस नहीं है हमारे प्रोसेस पे फोकस मैं हमारा किसी भी तरह का जो एक्शन जो है वो अभी भी प्रोसेस पे अभी भी उसमें किसी तरह का अगर हम चाहें तो बदलाव कर सकते हैं अब सवाल आता है कि हमें कैसे पता चल रहा है कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटेस्टेंस कैटेगरी के अंदर आ रहा है तो ध्यान से देखिए यहाँ पर वी जो है वो हमारा सब्जेक्ट है हैव जो है वो हमारा ऑब्जर्व है बीन जो है बीन वर्किंग जो कि बीन प्लस वी फोर है और ऑन दिस प्रोजेक्ट जो है वो हमारा अदर वर्ड्स है यहाँ पे हम लोग वर्ब टेंस क्या देख रहे हैं कि वर्ड जो है वो भी थ्री है और बीन प्लस वी फोर वी थ्री किसका इस्तेमाल किया जाता है परफेक्ट टेंस के लिए और वी फोर बीन प्लस वी फोर किसका इस्तेमाल किया जाता है परफेक्ट कन्वर्स टेंस के लिए तो जहाँ पे हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस अदर वर्ड्स आता है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है यू हैव टू कीप वन थिंग यू माइंड डैट टाइम वर्ड्स कैन कैन बी यूज एंड कैन नॉट बी यूज मीन्स प्रजेंट परफेक्ट कंटेंसटेंस जो है वो टाइम वर्ड के बिना भी इस्तेमाल किया जा सकता है और टाइम वर्ड के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है जिसे हम बोल सकते हैं वी हैव वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट सॉरी वी हैविंग वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग वी हैव बीन working ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग तो यहाँ पे क्या एक ऐसा तरह का एक्शन के बारे में बताया जा रहा है जो कि सुबह से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे बीन वॉकिंग पे हमें मेन फोकस है जहाँ पे हमारा बीन प्लस व फोर आ जा रहा है मीन्स वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटेस्टेंसी कैटेगरी के अंदर आ जाता है तो वी हैव हाँ बीन वॉकिंग ऑन दिस प्रोजेक्ट और वी हैव वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट पहला क्या बताया जा रहा है वी हैव वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट ये फ़ोकस कर रहा है रिज़ल्ट पे कि हमने प्रोजेक्ट बना लिया अब इसका रिज़ल्ट जो आएगा सो आएगा इसमें हम चाहे कभी किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर सकते वहीं दूसरी ओर अगर मैं बोलता हूँ वी हैव वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट हमने इस प्रोजेक्ट पे काम किया है तो यहाँ पे क्या पता जा रहा है कि सॉरी वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट हम लोग इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं इसमें क्या हो रहा है कि प्रोसेस पर फोकस कर रहा है अगर हम चाहें तो इसमें आगे चल कर भी किसी भी तरह का चेंजेस कर सकते हैं क्योंकि अभी ये जो एक्शन है जो प्रोसेस है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है नेक्स्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो सिंपली बताता है किसी तरह का एक्शन कितनी बार हुआ हाउ मे टाइम्स एन एक्शन इज परफॉर्म ऑन द अदर हैंड हाउ लॉन्ग हाउ लॉन्ग एन एक्शन इज बींग परफॉर्म इज टेकन इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग जानते हैं हम लोग हाउ मैनी का आंसर पता चलता है यहाँ पे क्या बोला हाउ मेनी मीन्स बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं और हाउ लॉन्ग जहाँ पे लॉन्ग आ गया हाउ लॉन्ग मतलब ये किसी तरह का एक्शन के बारे में बताने वाला है जो अभी तक प्रोसेस में है एग्जाम्पल समझते हैं शी हैज़ रेड टेन बुक्स दिस समर और शी हैज़ बी रीडिंग दैट बुक ऑल डे शी हैज़ रेड टेन बुक्स दिस समर इस साल उसने दस किताब को मीन्स इस, इस गर्मी के मौसम में उसने दस किताब को ख़त्म कर लिया तो अगर हम पूछते हैं कि हाउ मनी बुक्स कितने सारे बुक्स तो आंसर में क्या आ रहा है टेन बुक्स तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हमें पता चलता है हाउ महीने का आंसर मिलता है कि किसी भी तरह का एक्शन कितनी बार किया गया है तो हाउ महीने का आंसर हमें मिल जाता है तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ जाता है अब देखिए फिर सवाल आज कैसे पता चलता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो सब्जेक्ट सी हैज जो हमारा ऑग्जिवर रेड जो हमारा रेड जो है आर ई ए डी जैसे इसे बोला जाता है रेड लेकिन ये रीड का वर्ब थ्री रेड आर ई ए डी ठीक है तो ये वर्व थ्री टेन बुक्स दिस समर ये होगा अदर वर्ड्स तो स्ट्रक्चर क्या हो गया सब्जेक्ट प्लस हैज है जो कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है वहीं दूसरी अगर मैं बात करूँ शी हैज़ बीन रीडिंग दैट बुक ऑल डे वह पूरे दिन उस किताब को पढ़ रही है पढ़ रही है ठीक है वह पूरे दिन इस किताब को पढ़ रही है तो मैं पूछा हाउ लॉन्ग कितने देर से तो बहुत लंबे समय से या फिर सिंपल बोल सकते हैं पूरा दिन तो यहाँ पे क्या बताया जाए हाउ मैन में हमें यही चीज़ पता चल रहा है कि यहाँ पे किसी तरह का एक्शन जो है वो फुलफिल हो चुका है कंप्लीट हो चुका है वहीं दूसरी अगर मैं बात करूँ हाउ लंग में तो हाउ लंग में क्या होता है किसी तरह का एक्शन जो है वो अभी भी प्रोसेस में तो हाउ लंग का इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल सॉरी हाउ मैन का इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फिर देखिए सी हैज़ बीन रीडिंग डैड बुक ऑल डे सी क्या हमारा सब्जेक्ट है हैज़ है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब बीन रीडिंग हमारा बीन रीडिंग मतलब बीन प्लस प्लस वर्ब फोर बुक ऑल डे ये हमारा अदर वर्ड्स तो स्ट्रक्चर क्या हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैज है फोर प्लस अदर वर्ड्स जो कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है क्लियर आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो बेसिक डिफरेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उसे हम यहाँ ले रहे हैं कि डिस्क्राइब ए कम्प्लीट एक्शन एक ऐसा एक्शन जो कम्प्लीट हो चुका है उसके लिए हम पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं वहीं दूसरी ओर अगर किसी तरह का एक्शन जो है वो कंटिन्यू है उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्टेंस टेंस का इस्तेमाल करते हैं जैसे आई हैव रिटर्न यू एन ई मेल मैंने तुम्हें एक ई मेल भेजा है ये एक तरह का कम्प्लीट एक्शन है इसलिए इसे हम किस में रखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वहीं दूसरी ओर आई हैव बीन राइटिंग एन ई मेल मैं ई मेल लिख रहा हूँ ये क्या है एक्शन प्रोसेस में है कंप्लीट तो एक्शन के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और एक्शन जो प्रोसेस में है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कैटेगरी के अंदर रखते हैं आप स्ट्रक्चर से समझ पा रहे होंगे क्लियर तो हम लोगों ने आज क्या सीखा स्टेटिव वर्ब वाट इज स्टेटिव डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटिव स्टेटिव के बेसिस पे हम लोगों ने देखा प्रजेंट परफेक्टेंस और प्रजेंट परफेक्टेंस कंटेस्टेंस के बीच डिफरेंस क्या होता है कुछ सिचुएशन के बारे में जाना जहाँ पे हमारा प्रजेंट परफेक्टेंस और प्रजेंट परफेक्ट कंटेस्टेंस जो है उसका जो इम्पोर्टेंस है वो सेम होता है साथ ही साथ हम लोगों ने जाना कि प्रजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो फोकस पर रिजल्ट करता है जबकि प्रजेंट परफेक्ट कंटेस्टेंस प्रोसेस पर फोकस आ, फोकस करता है प्रजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हाओ मैनी या हाउ मच से सॉरी हा यहाँ पे हाउ मनी या हाउ मच के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं और हाउ लॉन्ग यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया how हाउ लॉन्ग के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिस्टेंस का हाउ मच हाउ मैनी के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और हाउ लॉन्ग के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं किसी तरह का कंप्लीट एक्शन को शो करने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं साथ ही साथ एक ऐसा एक एक्शन जो अभी भी प्रोसेस में है उसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिसटेंस का इस्तेमाल करते हैं तो आई थिंक हमारा प्रजेंट टेंस का हर एक टॉपिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है हम लोगों ने प्रजेंट टेंस में क्या क्या पढ़ा सिंपल टेंस यूजेस ऑफ सिंपल सिम्पल प्रजेंटेंस प्रेजेंट कंटेस्टेंस यूज टेंस डिफ्रेंस बिटवीन सिंपल टेंस एंड प्रजेंटेटेंस परफेक्टेंसरी प्रजेंट परफेक्ट कंटेस्टेंस यूज प्रेजेंट टेंस और हमने आज पढ़ा द डिफरेंस बिटवीन प्रजेंट परफेक्टेंस एंड प्रजेंट परफेक्ट कंटेस्टेंस सो आई थिंक हमारा जो एफर्ट्स है वो आप लोग को बहुत ही बेहतर से समझ में आ रहा होगा हमारे बताने का तरीका एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू आवर वीडियोज ड्रॉप योर कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन वी विल श्योरली रिप्लाई ऑन डेट सो टिल देन स्टे टून टू आवर चैनल थैंक यू